ये जो बच्ची आई है बांग्लादेश से और ये मिलने के लिए ही भारत आई हुई है। आपको बता दें ये बच्ची चूंकि मुसलमान धर्म से है तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपका वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इस धर्म में आओ और आपको हमारे भाई बनाओ। तो आपने ऐसा क्या समझा और ऐसा क्या माना कि सनातन धर्म में हमें जाना चाहिए? बाद में हम राम नाम जब से जप करना शुरू किया मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैंने बता नहीं सकी। हमको कथा सुनना अच्छा लगता है, भजन सुनना अच्छा लगता है, सब कुछ। आप हमें 5 साल दीजिएगा, सब हरी हरी होगा। जितनी माता जवान लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनको एक चीज एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि मेरे इस्लाम धर्म में कोई अब्दुल अच्छा नहीं है। जय हो, सारे अब्दुल हराम को रे। क्योंकि जब कलमा और मुसलमान लड़की को तलाक देने से पहले वो 3 मिनट नहीं सोचते हैं और 3 सेकंड में तलाक 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 देते हैं, तो आप तो सनातन धर्म से आ रही है, आपको तलाक देने के बाद और आपके विश्वास के साथ खेलने के बाद तो उनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरे मिलती हैं। वो दलील ये कि हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ने औरत में अकल मर्द से निस्बतन कम रखी है। अरे कहना क्या चाहते हो? लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी। ये हवसी लोग है, सच कह रही हूँ, इनको मतलब हवस दिखता है। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हम हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी। अपने हिंदू धर्म में आके हम बहुत खुश हो गए। देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही अपना है, इस्लाम धर्म नहीं। क्योंकि अगर इस्लाम में होते हम तो यहाँ क्यों आते? इस्लाम अपना नहीं है। ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है। यह हौसला बढ़ाता है मेरा। राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। फिर हम एक दूसरे को छत पे देखते थे, फिर ऐसे करके हमारी मुलाकात वगैरह हुई। फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ। फिर ऐसे करके हमारी बात आगे बढ़ी। फिर आज तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तेरे मुसलमान पुरुष जो हैं वो और विधवा की तरह रो रहे हैं, और चूड़ियां तोड़ रहे हैं, और मेंढक की तरह खुदक रहे हैं, और छाती कूट रहे हैं कि अब तो सारी मुसलमान महिलाएं जो है वो तो समझ चुकी हैं कि भाई हम इनको कुछ भी बोलेंगे मेरे ऊपर FIR हो जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगी, जो भी भारत देश पे रामलला के करीब आया है कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। राम जी की शरण में जा रहे हैं, हनुमान जी हमें ताकत देते हैं, हम सबका सामना कर ले। इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे, वहाँ पे सनातन धर्म का इतना अपना लेंगे अच्छी खासी से। जय हिंद दोस्तों, एक वक्त था जब इस्लामी कट्टरपंथी जोर जबरदस्ती करके अपने धर्म में कन्वर्ट करा रहे थे। आज ऐसा हाल हो गया कि अब लोगों को इस्लाम से विश्वास उठता देखा जा रहा है और सनातन धर्म की लहर तेजी से बढ़ रही है और हर देश के लोग बस सनातन ही सनातन का नाम ले रहे हैं। अब धीरे धीरे सनातन धर्म के प्यार, रिस्पेक्ट और इंसानियत को देखकर सनातन के रंगों में पूरी दुनिया ही रंगते जा रही है। क्योंकि मुस्लिम लड़कियां अपने धर्म से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि वह अपने धर्म को छोड़कर सनातन को अपना रही हैं। टाइप की शबनम से बात करें, आज की शबनम में क्या चेंज आया सनातन धर्म को फॉलो करते हुए? भाई मैं सच्ची बोल रही हूँ, 32 डेज हो गए मैं घर से बाहर हूँ। कहीं ना कहीं मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत याद आती है उनकी, मतलब। तो फिर बोलते ना हमारे भारतीय सेना से, दुनिया की कोई भी सेना हो, उनसे भारतीय सेना से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं भाई, कि वो भी अपने देश के लिए अपने घर से बाहर रहते कि ऐसा इस्लाम है कि 4 शादियां जायज है पर बच्चा गोद लेना ना जायज है। अजीब इस्लाम है और अजीब कुदरत का करिश्मा। जय हो, जय हो इस्लाम में, इस्लाम में। पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सही बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए मतलब। और जब नाज़िया इलाही खान सीरिया जैसे लोगों के साथ नेशनल न्यूज पर बैठती है, पाकिस्तान के साथ नेशनल न्यूज पर बैठती है, तो आंखों में तलवार घुसाने का भी काम करती है। जाकर के सोशल न्यूज पर देख लीजिए और सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि नहीं चलेगा भारत में कोई भी ठरके आजम और जाहिले आजम का यहाँ पर कुछ कुछ नहीं चलने वाला है। हम वो हैं जो हर पावर में आगे हैं, हम वो हैं जिसमें यहाँ पर भगवान राम की शक्ति चल रही है। जो भारत के संविधान को नहीं मानेगा उसको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैं नाज़िया इलाही खान ठीक उठाती हूँ कि पाकिस्तान अटारी बॉर्डर पे मैं छोड़कर आऊंगी जिसको संविधान नहीं मानना है। भारत में रहना है तो सनातन धर्म को इज्जत देनी होगी, भारत में रहना है तो संविधान को इज्जत देनी होगी, भारत में रहना है तो बहु बेटी को इज्जत देनी होगी, भारत में रहना है तो शीर झुका करके सारी महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा। यही है मेरा भारत, यहाँ एकता है, यहाँ प्यार है, यहाँ मानवता है, यही है मेरा भारत। और जितनी माता और जवान लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनको एक चीज, एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि मेरे इस्लाम धर्म में कोई अब्दुल अच्छा नहीं है। जय हो सारे अब्दुल हराम गोरे। क्योंकि जब कलमा और मुसलमान लड़की को तलाक देने से पहले वो 3 मिनट नहीं सोचते हैं और 3 सेकंड में तलाक 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 देते हैं, तो आप तो सनातन धर्म से आ रही हैं, आपको तलाक देने के बाद और आपके विश्वास के साथ खेलने के बाद तो उनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलती हैं। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म कितना अच्छा और कितना पवित्र है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म का ही डंका बज रहा है। और अब ऐसा हो गया है कि मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम महिलाएं इस्लाम को छोड़ रही हैं और सनातन धर्म को अपना रही हैं, चाहे वो भारत की मुस्लिम लड़कियां हो या फिर वो पाकिस्तान की। आज पूरी दुनिया की महिलाएं सनातन की ओर तेजी से अट्रैक्ट हो रही हैं और मुस्लिम महिलाएं हिजाब को फेंक रही है और सनातन के रीति रिवाजों को अपना रही है। क्योंकि अब दरअसल पिछले कुछ समय में ऐसे ऐसे न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि कई ऐसे मुस्लिम लड़कियां जिन्होंने अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है, क्योंकि अब ऐसा हाल हो गया है कि इस्लाम की असलियत जैसे जैसे सामने आ रही है वैसे वैसे हर जगह से लाखों में एक मुस्लिम बनते ही जा रहे हैं और इन लड़कियों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ते जा रही है। और इसलिए मुस्लिम लड़कियां बुर्का को छोड़कर सनातन धर्म की रीति रिवाजों को अपना रही हैं और कई मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों के साथ शादी करके इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। और उन लड़कियों को आगे यहाँ पर यह भी कहना है कि सनातन धर्म में इस्लाम धर्म के जैसा परिवार के साथ शादी विवाह नहीं होती है, बल्कि सनातन धर्म में वह बड़ा जघन्य पाप माना जाता है। और सनातन धर्म में महिलाओं को जितनी आज़ादी, जितनी स्वतंत्रता दी जाती है उतना इस्लाम धर्म में कभी भी आज़ादी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। और आज के समय में सनातन धर्म केवल मुस्लिम लड़कियों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पसंद बनते जा रहा है सनातन धर्म। खैर, इस पर आप सब क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना राय जरूर बताइएगा।